Assalamu alaikum. So today I'm going to make chicken achari. I'm going to write whole recipe in the description box. You can check from there. इसका बड़ा मज़ेदार सा खट्टा सा टेस्ट आता है, जैसे अचार गोश्त होता है उस तरह का. इसका गेम चेंजर जो है वो ये मैंगो पिकल है, और फिर इसमें जो हम कलौंजी सीड्स और मस्टर्ड सीड्स यूज़ करेंगे उससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसका. और बाद में बता दूँ, मैं यहाँ पे ये टिन वाला टोमेटो यूज़ कर रही हूँ. इसके क्रश्ड टोमेटो भी मिलता है, टोमेटो पेस्ट भी मिलता है. मैंने टोमेटो सॉस ले लिया है, बस ये अच्छी सी थिक ग्रेवी बनाने में काम आता है. आप चाहें तो टमाटर ताज़े लेके उनको पीस के भी यूज़. जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर माई अनियन, और बस बाकी सब तो ऑलमोस्ट रेडी है, एंड वी विल स्टार्ट कुकिंग शॉर्टली. ठीक है, फेनल सीड्स, क्यूमिन सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, नाइजेला सीड्स एंड टू रेड बटन चिलीज. ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है वो 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड टर्मेरिक पाउडर है नॉर्मल, और बिल्कुल एंड में डालने के लिए गरम मसाला पाउडर है. जी, इसकी सर्विंग के लिए ऑप्शंस हैं. आप इसको रोटी से या नान से भी सर्व कर सकते हैं, और चावल से भी सर्व कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू मेक जस्ट सिंपल ज़ीरे और धनिया वाले चावल, और मैं उसके साथ इसको सर्व करूँगी. आई एम गोइंग टू स्टार्ट. आग जलाते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एंड टेक अ नॉर्मल साइज देगची एंड ऐड ऑयल. ओके, एंड आई एम गोइंग टू ऐड देम एंड लेट देम सिजल अ बिट. वंस यू कैन लिसन टू द क्रैकिंग साउंड ऑफ दीज ऑल सीड्स एंड आपको खुशबू आने लगे, तो आप इसमें अपनी अनियन ऐड कीजिए. जी, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन करना है. एंड देन हम इसमें बाकी लहसुन अदरक का पेस्ट और बाकी पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे. स्टार्ट जब आपको लगे कि ये थोड़ी ब्राउन होनी शुरू हो गई है प्याज, तभी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करें. ओके, सो इट्स नाइसली गोल्डन नाउ. आई एम गोइंग टू ऐड द टोमेटो पेस्ट. सो आइडियली जो है वो सारी प्याज जो है इस टमाटर के पेस्ट में घुल के बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएगी. आप इसकी भुनाई करें अच्छी तरह, यू विल सी कि ये ऑयल खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑयल ऊपर आ गया है. ऐड योर टर्मेरिक पाउडर एंड रेड चिली पाउडर एंड मिक्स इट. और इसके बाद हम दही को फेंट के ऐड करेंगे. ऑलरेडी सी कि मसाला गाढ़ा होना शुरू हो गया है एंड ऑयल भी बाहर आ गया है. अब मैंने ऑलमोस्ट आधा कप दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया है. इसको इंस्टेंटली जल्दी जल्दी इस तरह से राउंड सर्कुलर मोशंस में मिक्स कीजिए. इसी मसाला ऑलमोस्ट भुन चुका है और ऑयल ऊपर आ गया है एंड प्याज भी सारी घुल गई है. नाउ इट्स टाइम टू सीजन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड ऐड दैट ग्लोरियस आम का अचार. एंड यू कैन एडजस्ट द स्पाइसेस और नमक बाद में भी. द बिट ऑफ लेमन जूस, अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आधा लेमन इनफ होगा नॉर्मल साइज का. गोज द चिकन. नाउ स्टार्ट कोटिंग ऑल दिस मसाला ऑन द चिकन एंड देन हम इसको अराउंड 15 टू 20 मिनट्स तक पकने देंगे. ऑल डन हो गए हैं. नाउ लेट्स चेक ऑन आवर चिकन. गुड शो. सी, इट्स ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है ये. जस्ट द फिनिशिंग टचेस, गरम मसाला पाउडर ऑफ कोरिएंडर लीव्स. एडजस्ट कर लें इस टाइम पे अपने हिसाब से. सॉल्ट अगर कम है या कोई मसाला आपको कम ज़्यादा लग रहा है, ग्रेवी की जो मिकदार है उसको एडजस्ट कर लें. अगर गाढ़ा रखना है तो इसको और पका लें, वरना पानी ऐड कर लें या ऐसे ही रख लें.